चीन को लेकर देश में राजनीति चरम पर है, लेकिन सवाल यह है कि शहादत पर आखिर सियासी संग्राम क्यों? दरअसल आज पूरे गांधी परिवार ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी ने वीडियो एक जारी किया जिसमें उन्होंने अपील की कि आप सच बोलिए, पूरा देश आपके साथ है। सोनिया गांधी ने कहा कि आज भी प्रधानमंत्री देश से सच छुपा रहे हैं, उन्हें सच सामने रखना चाहिए। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि एक भी सैनिक की शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भारत चीन सीमा पर जान गंवाने वाले 20 जवानों को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। प्रियंका ने एक वीडियो संदेश के जरिए पीएम मोदी से भारतीय चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर सवाल पूछे हैं। प्रियंका ने ट्वीट किया, हमारी फौज के बहादुर सैनिक देश की अखंडता और देश की रक्षा के लिए शहीद हुए, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देना है, देश की एक इंच भी जमीन नहीं जाने देंगे, देश सच जानना चाहता है। प्रियंका गांधी ने अपने वीडियो संदेश में कहा, चीन ने भारत के 20 जवानों की निर्मम हत्या कर दी, हमारे वीर सैनिक निहत्थे शहीद हुए, उनकी शहादत हमारे देश के लिए हुई, हमारी सुरक्षा के लिए हुई, हमारी अखंडता के लिए हुई, उनकी शहादत की पीड़ा को उनके परिजन उम्र भर सहते रहेंगे, ये एक ऐसा दुख है जिसे मैं अपने अनुभव से अच्छी तरह समझती हूँ। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश के नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि जवानों के इस बलिदान को व्यर्थ न जाने दें, उनकी शहादत का आदर करें। 15 जून को चीन की सेना ने 20 भारतीय सैनिकों की निर्मम हत्या कर दी, हमारे वीर सैनिक निहत्थे शहीद हुए, उनकी शहादत हमारे देश के लिए हुई, हमारी सुरक्षा के लिए हुई, हमारी अखंडता के लिए हुई, और इस शहादत की पीड़ा को उनके परिजन आजीवन सहते रहेंगे। ये एक दुख है जिसे मैं अच्छी तरह से समझती हूँ अपने अनुभव से। एक गर्व भरा गहरा दुख होता है, इसकी जिम्मेदारी हम सब की है क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं, और इस देश के नागरिक होते हुए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस शहादत को व्यर्थ न होने दें, कि हम इस शहादत का पूरी तरह से आदर करें। प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री के बयानों से कई सवाल उठते हैं, इन सवालों को उठाना हम सब का फर्ज है, क्योंकि देश को जानना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री चीन के नेताओं के साथ दोस्ती परत रहे थे तो कैसे समझौते हुए, कैसी बातचीत हुई कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर पाए। देश की जनता जानना चाहती है कि चीन के सैनिकों का सामना करने के लिए भारतीय जवानों को निहत्थे क्यों भेजा गया। जिस धरती पर जवान शहीद हुए वो भारत की धरती है, हमारी माँ है, आप उस धरती को चीन को नहीं सौंप सकते, ये हम होने नहीं देंगे। देश जानना चाहता है कि हमारे देश की धरती पर चीन को आने की इजाजत किसने दी। प्रधानमंत्री जी के बयानों से को सुनकर कई गंभीर सवाल उठे हैं, और इन सवालों को उठाना हमारा फर्ज बनता है, सिर्फ मेरा नहीं लेकिन आपका भी, क्योंकि इस देश को जानना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री जी चीन के नेताओं के साथ दोस्ती बरत रहे थे तो कैसे समझौते हुए, कौन सी बातचीत हुई जिसने आज चीन को ये हिम्मत दे दी कि वे हमारी जमीन पे कब्जा कर पाए। इस देश की जनता को जानना जरूरी है, वे जानना चाहते हैं कि हमारे सैनिकों को आपने निहत्थे चीन की सेना का सामना करने के लिए क्यों भेजा। जिस धरती पर वे शहीद हुए वे भारत माता की धरती है, इस देश की धरती है, हमारी माँ है, आप उस धरती को चीन को सौंप नहीं सकते, हम ये होने नहीं देंगे। ये देश जानना चाहता है कि हमारी इस धरती में चीन की सेना को आने की इजाजत किसने दी। प्रियंका गांधी ने कहा कि जवानों की शहादत पर राजनीति करना पाप है, प्रधानमंत्री को जवानों के बलिदान का निरादर नहीं करने देंगे। शहीदों पर राजनीति तेज हो चुकी है और सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। ऐसे में देखना होगा कि हम अपनी आंतरिक कलह से कब निपट पाते हैं, क्योंकि चीन को माकूल जवाब देने के लिए देश का एकजुट होना बेहद जरूरी है।
स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज़।